International Women's Day 2022 is Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow. A ray of light is always a ray of hope. Let's all leave the darkness and step towards the bright path. Now, I request all the dignitaries to please proceed for garlanding and lap tightening of Goddess Saraswati. साथ ही मैं एक बार पुनः सभी से निवेदन करती हूँ, कृपया अपने अपने स्थान पर खड़ा होना सुनिश्चित करें। हमारे
तभी तो नारी नारी कहलाती है। इंडीड नो स्ट्रगल कैन एवर सस्टेन विदाउट वुमेन पार्टिसिपेटिंग साइड बाय साइड विद मेन। नाउ आई रिक्वेस्ट आवर कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर तुहिना वर्मा मैम टू प्लीज वेलकम आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर सर। Thank you so much, ma'am. I also request Professor Neelam Pathak, ma'am, to please welcome our chief guest and special guest. डॉक्टर प्रतिभा त्रिपाठी मैम प्लीज वेलकम प्रोफेसर तुहिना वर्मा। थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल प्रोफेसर तुहिना वर्मा मैम, कन्वेनर ऑफ वुमेन ग्रेवियंस एंड वेलफेयर सेल, फॉर वेलकम एड्रेस। ओवर टू यू मैम। थैंक यू इंजीनियर मनीषा सर। प्रथम आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के परम आदरणीय हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर रविशंकर सिंह सर, आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर श्वेता प्रसाद मैम, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर हुमा मुस्तफा मैम, जॉइंट डायरेक्टर यूपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वुमेन ग्रेवेंस एंड वेलफेयर सेल, महिला शिकायत एवं कल्याण प्रकोष्ठ तथा महिला अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता जरूरी है इस विषय पर परिचर्चा में सबसे पहले मैं अपने तथा महिला शिकायत एवं कल्याण प्रकोष्ठ की तरफ से इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे विश्वविद्यालय के मुखिया माननीय कुलपति महोदय जी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। डीसी सर अपने बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम में से इस प्रोग्राम के लिए समय निकालकर अपने आशीर्वचन के लिए हम लोग के बीच यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो कि सर का महिला सशक्तिकरण के प्रति कमिटमेंट भी प्रदर्शित करता है। सर इसके लिए हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। पुनः हम इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर श्वेता प्रसाद एवं हमारी विशिष्ट अतिथि डॉक्टर हुमा मुस्तफा मैम को पूरे विश्वविद्यालय परिसर की तरफ से आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम लोगों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे मुख्य अतिथि तथा हमारे विशिष्ट अतिथि दोनों विभूतियां साथ में हमारी डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेसर नीलम पाठक मैम, ये तीनों विभूतियां हमारी नारी शक्ति की प्रतीक हैं। इसी क्रम में मैं मंचा सिंह नीलम पाठक मैम का तथा यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक कर्मचारी अतिथिगण छात्र एवं छात्राओं का भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वो महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उन्हें समाज में आदर सम्मान देना, स्नेह देना तथा महिलाओं के लिए जो भी सुरक्षा कानून बने हुए हैं
और उनके जो अधिकार हैं उनके प्रति उन्हें जागरूक करना, इसके अलावा उन्हें हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, लैंगिक समानता के प्रति, शिक्षा के प्रति, शिक्षा ग्रहण करने के प्रति, इन सब के प्रति भी उन्हें जागरूक करना है। कुल मिलाकर के महिलाओं को, बेटियों को उन्हें सोशली, इकोनॉमिकली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर रूप से उनको हमें सशक्त बनाना है। ये आज समाज का, हम सभी का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की उन्नति होगी, बेटियों की उन्नति होगी, तभी हमारे देश की भी उन्नति होगी। आज के दिन विभिन्न क्षेत्रों में जो भी महिलाएं बहुत आगे बढ़ी हैं, उनके प्रति उनको सम्मान देना, प्रशंसा और प्यार प्रकट करना, इन सब का आज ये विशेष दिन होता है। और उनकी जो भी आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक या अन्य कोई भी क्षेत्र में उन्होंने कोई उपलब्धि अगर हासिल की है तो उसे आज उत्सव के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। पूर्व की तुलना में अगर हम लोग देखें, हम लोग सभी लोग आए दिन देख रहे हैं कि पहले के कंपैरिजन में आज महिलाओं की स्थिति में काफी ज्यादा सुधार हुआ है। ये हम लोग को देखने को मिल भी रहा है। हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना तुलनीय योगदान दिया है तथा वो अपना पहचान हर क्षेत्र में बना रही हैं। यहाँ तक कि हम लोग ने यह भी देखा कि कोविड-19 के दौरान महिलाओं की स्वच्छता तथा उनके सभी के स्वास्थ्य सेवाओं में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि महिलाओं का पूरे देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। सही मायने में महिला दिवस तभी सार्थक होता है जब महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए पूर्ण रूप से आजादी मिलती है, जिससे वो आगे बढ़ के जो भी उनके अंदर टैलेंट है, जो भी उनकी कैपेबिलिटी है, उनकी क्षमता है, उस क्षेत्र में वो आगे बढ़े और वो अपना काम करें। तो इसके लिए पूरे परिवार क्या होना चाहिए कि हमारा पूरा परिवार, पूरा समाज और सभी लोग जो उनसे संबंधित हैं, वो इसके लिए महिलाओं को प्रेरित करें, उन्हें सशक्त बनाने में और उन्हें आगे बढ़ने के लिए हम लोग लगातार उनको प्रोत्साहित करते रहे और उनको जहां भी अवसर मिले तो महिलाओं को भी एक उचित अवसर प्रदान होना चाहिए। तो इस दिशा में जो है हमारे माननीय कुलपति महोदय भी विश्वविद्यालय की तरफ से मसौदा के माधवपुर गांव को उन्होंने गोद लिया हुआ है। सर की प्रेरणा से एवं उनके दिशा निर्देश से वहां की महिलाओं का, बालिकाओं का तथा बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम लगातार सर के दिशा निर्देश में आयोजित किए जा रहे हैं। आज माधोपुर ग्राम मसौदा से भी कुछ महिलाएं यहाँ आई हुई हैं। कुछ लोग थोड़ा सा व्हीकल में कुछ दिक्कत आ गई तो कुछ लोग ऑन द वे हैं, अभी वो पहुंच रही है, बीच में वो है। तो इन कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं को उनके अधिकारों, शिक्षा, स्वरोजगार, कानून संबंधी नियम, उनके हेल्थ एंड वेल्थ के लिए, उनके न्यूट्रिशन के लिए तथा उनके स्वयं की सुरक्षा के लिए जो प्रशिक्षण इत्यादि विश्वविद्यालय द्वारा निरंतर दिया जा रहा है और साथ में उनको जागरूक भी किया जा रहा है। और हम लोग बराबर गांव में विजिट करते हैं, सर हम लोग को लगातार प्रेरित करते हैं कि गांव में जाइए, वहां के बालिकाओं को, महिलाओं का उत्थान के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, तो उसके लिए हम लोग उनको जाकर के वहां प्रेरित करते हैं। कई सारी चीजें हम लोगों ने उनको बताया और उनसे फीडबैक हम लोगों को काफी अच्छा मिला है और काफी सुधार देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में काफी सुधार देखने को मिला है और हमारे यहाँ कुछ कोर्सेज में, इंक्लूडिंग सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज में, माधोपुर मसौदा गांव की काफी बच्चियों ने एडमिशन भी लिया है कई कोर्सेज में और सेंटर ऑफ वुमेन स्टडीज में भी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए हम चाहेंगे आप सभी उनके लिए तालियां बजाइए और वो स्टूडेंट आज यहाँ है भी प्रोग्राम में। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः इस कार्यक्रम में आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। काइंड वर्ड्स। इट इज वेरी कॉमनली सेड दैट गॉड कैन नॉट बी प्रेजेंट एवरीवेयर सो ही क्रिएटेड अ वुमन। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वेयर वुमन आर वर्शिप्ड देयर गॉड्स रिजॉइस। कहा तो जाता है परंतु पिछले कुछ समय पे नारियों को उनके अधिकार दिलाने तथा उनको उनकी पहचान दिलाने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ यूनाइटेड नेशंस ने आज के दिन को पूर्णतः महिलाओं को समर्पित करते हुए इंटरनेशनल वुमेन डे डिक्लेयर किया है। इसी क्रम में चार पंक्तियां मैं समर्पित करना चाहूंगी यहाँ उपस्थित समस्त महिलाओं को कि कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते,
कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, रंग बसंती वो यूं ही नहीं उड़ाया करते। बड़ी जिम्मेदारियां हैं, सारा जहां महकाना है। कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नाउ आई रिक्वेस्ट सिद्धार्थ यादव टू प्लीज कम एंड ही विल ब्रीफ अबाउट इंटरनेशनल वुमेन डे। थैंक यू मैम। आज विश्व महिला दिवस है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करता हूँ। मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं श्री ऋषभदेव जैन शोध पीठ से बीए प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। आज मैं विश्व महिला दिवस के अवसर पर कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहूंगा जो कि इस प्रकार है। जैसा कि विश्व महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 8 मार्च 1914 से हुई है, तो इसी के समझ में मैं कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो महिला सशक्तिकरण एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसकी इन सभी महिलाओं को जरूरत है। दुनिया एक बेहतर जगह बन जाती है जब महिलाओं को अस्तित्व में आने वाली कठिनाइयों का एहसास नहीं होता है। कई वर्षों से महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पहले महिलाओं की भूमिका घर के कामों तक ही सीमित थी। कुछ महिलाएं सहित सभी को यह विश्वास दिलाने के लिए लाया गया था कि महिलाओं की भूमिका कार्यों तक ही सीमित है। इस मान्यता के कारण महिलाएं काम पर नहीं जाती थी या काम पर जाने के बारे में नहीं सोचती थी। हालांकि कुछ दशकों बाद यह सोच बदल गई क्योंकि महिलाओं ने अलग अलग चीजों को आजमाना शुरू कर दिया। महिलाओं को केवल यह एहसास होने लगा कि उनका भी करियर और भविष्य हो सकता है। अधिक से अधिक महिलाओं ने नौकरी करना शुरू किया और अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में काम किया। महिलाओं के लिए दुनिया का नजारा समय और दशकों के साथ बदल गया है। यह मुख्य रूप से अतीत में सभी महिलाओं के